तो यहां तक हमने देख लिया कि इक्वल फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिकल फंक्शन क्या होता है, ठीक है। चलो ये तो मैंने करा दिया आपको, ये सेकंड वाला ट्राई करो, सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट वाला तो नॉट इक्वल होगा, तो अभी बताया मैंने आपको, सेकंड वाले बताओ। यहां पे ये दिया हुआ है एफ एक्स और ये दिया हुआ जी एक्स, ध्यान से सोच के बताओ क्या एफ एक्स और जी एक्स इक्वल फंक्शन या आइडेंटिकल फंक्शन हो। सर तो ऐसे ही है, हेलो सॉरी बच्चों, बीच में प्रॉब्लम आ गया था, यहाँ पे लाइट थोड़ी आ जा रही है जिसके कारण वाईफाई का कनेक्शन लॉस्ट हो रहा है। हेलो आवाज आ रही है क्या अभी? यस सर, रियली सॉरी, रियली सॉरी। अच्छा ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस कितना होता है? वन होता है। होता सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर भी वन होता है। है। यस सर। पर क्या ये आइडेंटिकल फंक्शन है कि नहीं है? दोनों की डोमेन चेक कर लेते, बताओ यहाँ पे डोमेन क्या होगी, क्या यहाँ पे एक्स ओपन क्या क्या रख सकते हैं साइन और कॉस में? साइन और कॉस के अंदर एक्स की वैल्यू क्या क्या अलाउड रहती है? देखो साइन का ग्राफ ये रहा, ये साइन का ग्राफ है, ठीक है, ये साइन का ग्राफ। और इधर मान लो सेक और टेन आ रहे, तो किसी एक का ग्राफ मान लो टेन का ग्राफ बना देता हूँ। टेन का ग्राफ कैसा होता? पाई बाई टू पे इनफाइनाइट पे जाता है, ये टेन का ग्राफ है, जितने पाई बाई टू के मल्टीपल ही है। पाई बाई टू पे क्या होता है? नॉट डिफाइन, ये टेन का ग्राफ है। तो आप बताओ इसकी डोमेन, साइन की डोमेन क्या है बताओ। हेलो, से नहीं, साइन की डोमेन एक्स की वैल्यू में क्या क्या रख सकता हूँ? सब कुछ रख सकता हूँ ना, एक्स देखो पूरी एक्सिस कवर कर रहा है, टू तो एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स के अंदर अपन 100 डिग्री, 1000 डिग्री, 22.5 डिग्री कुछ भी रख सकते हैं। एक्स यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है क्या कुछ? पाई यस सर हाँ, ऑल रियल नंबर। एक्स बिलोंग्स टू क्या? देखो ऑल रियल नंबर, पूरी एक्सिस कवर हो रही है साइन के ग्राफ में। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी क्या सब कुछ रख सकते हैं क्या? बस पाई बाई टू रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते। टेन के केस में टेन पाई बाई टू क्या होता है? नॉट डिफाइन है, फिर इनफाइनाइट पे जाता है। और सेक पाई बाई टू भी क्या होता है? इनफाइनाइट पे जाता है ना। तो क्या अपन इसमें पाई बाई टू रख सकते हैं यहाँ पे? नो सर। हाँ पाई बाई टू नहीं रख सकते हैं, टू एन प्लस वन पाई बाई टू भी नहीं रख सकते, राइट? बहुत सारी चीजें नहीं रख सकते। क्या समझ में आया? सर ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू। हाँ, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू इसके अंदर अपन नहीं रख सकते, क्योंकि सेक और टेन दोनों ही पाई बाई टू के मल्टीपल पे क्या होता है? नॉट डिफाइन हो जाता है। क्या हो जाता है? नॉट डिफाइन। क्लियर है? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक यस सर। है, तो क्या ये आइडेंटिकल फंक्शन होंगे? हाँ, नो सर। नो, नॉट आइडेंटिकल। क्या जाएंगे? नॉट आइडेंटिकल, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आई थिंक अभी क्लियर हो गया।
अब नेक्स्ट टाइप का फंक्शन पढ़ते हैं अपन, ऑड एंड इवन फंक्शन. नेक्स्ट टाइप का फंक्शन अपना ऑड एंड इवन फंक्शन. अब ध्यान समझना इसको. कोई भी फंक्शन मान लो एफ एक्स से, कोई फंक्शन एफ एक्स से मान लो. अब मुझे चेक करना है कि ऑड या इवन होगा या नहीं होगा. एक तरीका क्या होता है, एक्स की जगह अगर मैं माइनस एक्स रख दूं, एक्स की जगह अगर मैं माइनस एक्स रख दूं, तो देखो ध्यान से, अगर एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पे एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू, एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पे एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू अगर माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाए, एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू अगर माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाए, तो ऐसे फंक्शन को बोलेंगे अपन ऑड. देन एफ एक्स इज अ ऑड फंक्शन. ऑड फंक्शन क्या बोलेंगे? ऑड फंक्शन. और अगर x की जगह माइनस एक्स रखने पे एफ एक्स ही आ जाए, एफ एक्स ही आ जाए, हाँ, तो ऐसे फंक्शन को अपन क्या बोलेंगे? इवन फंक्शन. हाँ, इवन फंक्शन. ठीक है, तो ये आपका तरीका होता है ऑड और इवन निकालने का. ठीक है, ध्यान समझो, मतलब x की जगह माइनस एक्स रखने पे तो ऑड फंक्शन, x की जगह माइनस एक्स रखने पे एफ एक्स आ जाए तो इवन फंक्शन. क्या हो जाएगा? इवन फंक्शन. ठीक है, अब देखो एक तरीका तो ये हो गया, यही तरीका रहता है मेन चेक करने का, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो और देखो ऑड आ रहा है कि इवन आ रहा है. ठीक है, अब कभी कभी ग्राफिकली भी हम चेक कर सकते हैं. अगर मान लो ग्राफ पता हो, क्या पता हो? ग्राफ. तो जो ऑड वाले फंक्शन होंगे, जो ऑड वाले फंक्शन होंगे वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है. ओरिजिन के अबाउट क्या होंगे? सिमेट्रिक. मतलब पॉजिटिव एक्स के लिए जो वैल्यू होगी, देखो ऑड वाले फंक्शन में क्या बोला है, जो काम प्लस एक्स पे होगा वो माइनस पे कहाँ आएगा? नीचे आएगा. ठीक है, इसका एग्जांपल लेके दिखाता हूँ मैं. जैसे बताओ वाई इक्वल टू साइन एक्स, वाई इक्वल टू साइन एक्स, बताओ ऑड है कि इवन है? एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स ऑड. हाँ, अगर इसमें मान लो एक्स जगह माइनस एक्स रखा, अपने एक एग्जांपल लेके आपको सिखा देता हूँ. देखो मान लो एक फंक्शन लिया एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एक्स की जगह अगर माइनस एक्स रखा तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स. माइनस साइन एक्स. तो ये क्या हो जाएगा? बाहर आ गया, मतलब माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया. क्या समझ में आया? यस सर. तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? ऑड हो जाएगा. एक फंक्शन कैसा हो जाएगा? ऑड. वहीं पे मान लो एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर फोर मान लो, तो बताओ ये कैसा फंक्शन होगा? इवन. इवन. यहाँ पे एक्स की जगह माइनस एक्स रखा तो x की पावर 4 आ गया, मतलब वापस gx ही आ गया. वापस क्या आ गया? gx. तो देखो f माइनस x रखने वापस वही आ जाता तो क्या बन जाएगा? इवन. क्या हो जाएगा? इवन. क्लियर है? अब दोनों का ग्राफ को समझते हैं. आइए दोनों का ग्राफ को आप एनालिसिस करोगे तो साइन का ग्राफ ऐसा है, ये साइन का ग्राफ है. तो जो साइन का ग्राफ है वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है. किसके अबाउट सिमेट्रिक है? ओरिजिन के अबाउट. साइन का जो ग्राफ है मतलब ओरिजिन के इस साइड और ओरिजिन के इस साइड क्या है? सिमेट्रिक. तो ऑड वाले फंक्शन जो होंगे, ऑड वाले जो फंक्शन होंगे सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन. सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन. क्लियर है? और जो इवन फंक्शन होंगे, जिसका इसका ग्राफ बनाओ, मान लो ये आगे एक्स की पावर फोर, तो इवन फंक्शन जो होंगे, जो जो काम पॉजिटिव एक्स के लिए हो रहा है वही काम नेगेटिव एक्स के लिए होगा. तो ये जो फंक्शन होंगे वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होंगे. तो दोनों आपको ध्यान रखना है, याद रखना है इस चीजों को, कि जो ऑड फंक्शन होंगे वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होंगे और इवन फंक्शन वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होंगे. ठीक है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस. क्या ध्यान रख लोगे? इवन फंक्शन के वो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, क्योंकि जो काम पॉजिटिव के लिए हो रहा है वही काम नेगेटिव के लिए हो रहा है, तो इसलिए y एक्सिस के अबाउट क्या होंगे? सिमेट्रिक. तो इवन फंक्शन विल बी सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस एंड ऑड फंक्शन विल बी सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन. क्या समझ में आया? यस सर, आ गया. ठीक है, तो ध्यान रखना. बताओ ऑड फंक्शन किसके अबाउट सिमेट्रिक होंगे? ओरिजिन. और इवन फंक्शन वाई एक्सिस के अबाउट. वेरी गुड. चलो एक बार पहले ये वाला ट्राई करो. यहाँ पे दो फंक्शन दिए हुए हैं, दोनों अच्छे से ट्राई करो और देख के बताओ क्या ये ऑड होंगे या इवन होंगे. सर, हाँ बोलो. एक बार वो आइडेंटिकल फंक्शन दोबारा बता दो, मेरी क्लास लेट ज्वाइन हुई थी. आइडेंटिकल फंक्शन, ठीक है मैं समझा देता हूँ, बाकी लोग क्वेश्चन ट्राई करते रहो. आइडेंटिकल फंक्शन देखो कुछ भी नहीं है, ऐसे फंक्शन आइडेंटिकल फंक्शन उन्हीं को बोलेंगे जिसमें
उन दोनों फंक्शन की डोमेन सेम आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, डोमेन सेम, भले दिखने में अगर हो सकता है एक जैसे दिखने लग जाए, लेकिन अगर डोमेन सेम नहीं होगी तो उनको आइडेंटिकल नहीं बोलेंगे। तो कभी भी अगर चेक करना हो कि फंक्शन आइडेंटिकल है कि नहीं, तो क्या निकाल लो, डोमेन, क्या निकाल लो, डोमेन, और डोमेन अगर सेम आ जाएगी तो उन फंक्शन को अपन बोल देंगे आइडेंटिकल, अदरवाइज नॉट आइडेंटिकल। क्लियर है? यस सर। और इक्वल फंक्शन? हाँ, इक्वल आइडेंटिकल दोनों को सेम, मतलब एक ही नाम से बोलते हैं अपन, इक्वल एंड आइडेंटिकल आर सेम थिंग। ओके सर। ठीक है, तो मैं वो क्वेश्चन ही लिए थे वहां पे, अपने डोमेन निकाल निकाल के देखी थी, डोमेन अगर सेम आ रही तो आइडेंटिकल, अदरवाइज नॉट आइडेंटिकल। ठीक है, अब फटाफट ये वाला ट्राई कर लो ऑड इवन के लिए, एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करके देखो ऑड आ रहा है कि इवन आ रहा है, दोनों केस में। और हो सकता है कि कभी कभी ऐसा भी हो कि नाइदर ऑड नॉर इवन आ जाए, मतलब माइनस एक्स रखने पे ना माइनस एफ एक्स आ रहा ना एफ एक्स के बराबर आ रहा है, तो ऐसे केस में फंक्शन को बोलेंगे नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, जैसे इस केस में अगर एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर दोगे, पहला वाला इवन आ रहा है। ठीक है, yes, sir. तो जहां जहां भी एक्स है उसकी जगह क्या लिख देंगे, माइनस एक्स। ठीक है, तो हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। तो एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पे वापस एफ एक्स आ रहा है, तो बताओ क्या हो जाएगा ये, इवन। इवन, वेरी गुड, इवन फंक्शन। जिसका जो ग्राफ बनाओगे, जो पॉजिटिव एक्स में जो ग्राफ बनेगा, जो पॉजिटिव एक्स में ग्राफ बनेगा वही सेम ग्राफ नेगेटिव एक्स में बनेगा, वही सेम ग्राफ किस में बनेगा, नेगेटिव एक्स में, क्योंकि वाई एक्सिस के बोर्ड क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला ट्राई करके बताओ, यहाँ पे भी अगर एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। यस सर। अच्छा देख लेते हैं, तो यहाँ पे एक्स की जगह माइनस एक्स रखो तो ये बन जाएगा, और ये वाला क्या बन जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, अब यहां से देखो, यहां से ध्यान से देखो, माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो ये वाला नेगेटिव वाला आगे आ जाएगा, नेगेटिव वाला आगे आ जाएगा और वो वाला इधर चला जाएगा। ठीक है, और ये वापस क्या बन गया, देखो एफ एक्स ही बन गया, ये वापस क्या बन गया, एफ एक्स, तो ये माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया, तो ये माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया, मतलब क्या हो गया, ऑड फंक्शन, क्या हो गया, ऑड फंक्शन। तो इसका जो ग्राफ होगा वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री होगा, मतलब जैसा ग्राफ इधर होगा वैसे ही ग्राफ इधर होगा, मतलब फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, सिमेट्रिक, या तो फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ में, मतलब ओरिजिन के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो एफ ऑफ माइनस एक्स रखने पे माइनस एफ एक्स आ रहा है, इसलिए क्या हो गया, ऑड फंक्शन, क्या हो गया, ऑड फंक्शन। बताओ ध्यान से, क्या है, समझ में आया? यस सर। ओके, चलो बहुत बढ़िया, कहीं भी डाउट हो तो वापस पूछ लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, एक और क्वेश्चन था ये वाला, अच्छे से ट्राई करना, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो ध्यान से सोच समझ के प्रॉपरली सिंप्लीफाई करके फिर आंसर लाना, ऑड या इवन चेक करना अगेन। हाँ, क्या फर्स्ट वाला सेकंड वाला क्या आंसर आ रहा है? सर कर रहे हैं, कर रहे, ठीक कर लो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से करो, एक मिनट आया मैं। तो आया आंसर,
हाँ सुमित का आया फर्स्ट का और सेकंड का इवन। अच्छा ठीक है देखते हैं। और बाकी किसी का नाइदर इवन नॉर ऑड भी आ सकता है, वो आ रहा है क्या? हेलो हेलो आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। ठीक है चलो अब करते हैं अपन। देखो फर्स्ट वाला कर रहा हूँ मैं, x की जगह माइनस एक्स कर रखा, x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो आएगा log ऑफ, ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, राइट। x की जगह माइनस एक्स रखा तो ये आया, तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा बेसिकली क्या, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स। अब ये एफ एक्स जैसा दिख तो नहीं रहा है, ना ही माइनस एफ एक्स जैसा दिख रहा है, लेकिन फिर भी अपन क्या करें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं अगर कुछ आ जाए तो। सिंप्लीफाई कैसे कर रहा हूँ मैं, रेशनलाइज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? रेशनलाइज, क्योंकि दोनों में एक्स का कोएफिशिएंट सेम है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या वन है, तो यहाँ पे मैं रेशनलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो रेशनलाइज माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, इसके प्लस वाले से क्या किया मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है तो देखो ये करने से क्या होगा, रेशनलाइज करने से क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी क्रिएट होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होगा न्यूमरेटर में, ठीक है। अच्छा माइनस था ना, हाँ तो माइनस था तो प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, न्यूमरेटर में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्रिएट हो गया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। सर ऑड आ गया, ऑड आ रहा है, ठीक है। एक कहीं मिस्टेक हुई क्या, देखो एक बार। सर इसमें तो डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, तो आपने ये तीन टर्म कैसे ले ली? हाँ तीन लिख दिया मैंने, सॉरी वही मैं सोचो कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, ध्यान ही नहीं रहा मेरे। हाँ यहाँ पे इसमें क्या करा, मल्टीप्लाई डिवाइड किया, एक्चुअली रेड रेड कलर से जो दो बार लिखा गया, ये ब्लू कलर से ऑलरेडी जो था इसे पहले से, ये पहले से था, और ये जो रेड वाला मैंने लिखा मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई और क्या कर दिया डिवाइड। तो न्यूमरेटर में क्या हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट का स्क्वायर करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा वही जो फंक्शन में था। अब ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करो तो ये रूट हट जाएगा और एक्स स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा वन, क्या बचेगा वन, तो क्या बचा लॉग ऑफ वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स, राइट। तो देखो ऐसा ही आ गया। अब ये रेसिप्रोकल है तो इसको होल पावर माइनस वन कर देंगे, होल पावर क्या कर सकते हैं माइनस वन, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स की पावर माइनस वन, कितना हो जाएगा माइनस वन। रेसिप्रोकल का अपन ऐसा कर सकते हैं, और लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि माइनस वन आगे आ जाता है, माइनस क्या आ जाता है आगे, तो आ जाएगा माइनस ऑफ लॉग अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स, राइट। मतलब ये वापिस किसके बराबर आ गया, माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर आ गया, किसके बराबर आ गया माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर। क्या क्लियर हुआ? यस सर। तो बेसिकली देखो दिखने में तो लग नहीं रहा था, हो सकता था ये अपन नाइदर इवन नॉर ऑड आए, लेकिन एक बार सिंप्लीफाई रेशनलाइज करने से फाइनली माइनस एफ एक्स के बराबर आ गया, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा ऑड, फंक्शन कैसा हो जाएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट वाले में भी ऐसे करना है, एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करके देखोगे तो देखो फटाफट ये माइनस एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा ए की पावर माइनस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय ए की पावर माइनस एक्स प्लस वन, ये हो जाएगा माइनस एक्स और ये हो जाएगा वन अपॉन ए की पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय वन अपॉन ए की पावर एक्स प्लस वन, ठीक है। तो जगह माइनस ऑफ एक्स इंटू एलसीएम ले लोगे तो जगह वन माइनस ए की पावर एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस ए की पावर एक्स, सही है, एलसीएम ले लिया, ए की पावर एक्स कैंसिल आउट हो गया। अब न्यूमरेटर से अगर माइनस वन कॉमन ले लोगे, न्यूमरेटर से अगर माइनस कॉमन ले तो बाहर वाले माइनस से क्या बन जाएगा प्लस, बाहर वाले माइनस से क्या बन जाएगा प्लस, और अंदर चेंज हो जाएगा ए की पावर एक्स माइनस वन बन जाएगा, और नीचे ऑलरेडी लिखा हुआ है ए की पावर एक्स प्लस वन, तो बेसिकली वापस किसके बराबर आ गया एफ एक्स के बराबर आ गया। एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ एक्स के बराबर आ गया तो क्या आएगा, इवन फंक्शन, क्या आ जाएगा इवन फंक्शन, ठीक है। तो बेसिकली देखो दोनों ही क्वेश्चन अच्छे थे, एक्स की जगह माइनस एक्स को रिप्लेस करके देखा तो फर्स्ट वाले में माइनस एफ एक्स के बराबर आ रहा, सेकंड वाले में एफ एक्स के बराबर आ गया, तो फर्स्ट वाला ऑड आ गया सेकंड वाला इवन आ गया, क्या क्लियर है? यस सर। ओके ग्रेट। ठीक है किसी का माइक ऑन है, अनम्यूट कर लो, ठीक है चलो। ओके बच्चों, तो अब नेक्स्ट टाइप का जो फंक्शन होता है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है। क्या होता है पीरियोडिक फंक्शन? अब पीरियोडिक फंक्शन आई थिंक जानते होंगे क्या होता है पीरियोडिक फंक्शन, कोई बताओ, बता सकता है?
किन फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं? जो रिपीट करता है अपने आप को। हाँ, जो किसी फिक्स इंटरवल के बाद अपने आप को क्या करे, रिपीट करे। इसका एग्जांपल जैसे मान लो साइन एक का, तो ये साइन का ग्राफ दिख रहा है आपको, साइन और कॉस साइन। हाँ, साइन और कॉस वगैरह, साइन कॉस टेन सेक, सारे के सारे क्या होते हैं पीरियोडिक। जैसे ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक ये बना, फिर सेम चीज वापिस बनी, तो ये 21 इंटरवल के बाद ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। पाई के बाद किसके बाद? 2π के बाद किसके बाद रिपीट कर रहा है? 2π। अच्छा, कोई बोलेगा कि हाँ ये 2π के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, कोई बोलेगा 4π के बाद भी तो रिपीट कर रहा है, 4π से ग्राफ कैसा है, ऐसा है वापिस ऐसा है, तो कोई बोलेगा 4π के बाद भी रिपीट कर रहा है, कोई बोलेगा 6π के बाद भी रिपीट कर रहा है। तो पीरियड तो 2π भी हो सकता है, 4π भी हो सकता है और 6π भी हो सकता है, लेकिन अपन को क्या लेना है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू लेना है। अपन को क्या लेना है, लीस्ट जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, जिसके जो रखने पे जिसके बाद ग्राफ अगर रिपीट कर रहा है तो अपन बोलेंगे उसका पीरियड। उसका क्या ले लेंगे, उसका फंडामेंटल पीरियड ऑफ द फंक्शन। द फंडामेंटल पीरियड ऑफ द फंक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी सच दैट द उस इंटर टी इंटरवल के बाद ग्राफ अपने आप को क्या करे, रिपीट करे। तो ये ग्राफिकल तरीका। और एनालिटिकली क्या बोलेंगे कि अगर कोई फंक्शन पीरियडिक जिसका फंक्शन अगर पीरियड है टी, जिसका पीरियड है क्या टी, तो उसमें एक्स की जगह एक्स प्लस टी रखने पे, एक्स की जगह एक्स प्लस टी रखने पे वापस क्या आना चाहिए, एफ एक्स आना चाहिए, वापस क्या आना चाहिए, एफ एक्स। तो अगर एक्स की जगह एक्स प्लस टी रखने पे वापस अगर एफ एक्स आ रहा है, देन हेंस एफ एक्स इज अ पीरियडिक फंक्शन विद द पीरियड टी, एफ एक्स इज अ पीरियडिक फंक्शन विद द पीरियड टी। अब हो सकता है कभी कभी देखो टी पे भी सेम आ जाए, 2t पे भी सेम आ जाए, 3t पे भी सेम आ जाए, लेकिन अपन को कौन सी लेनी है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। अपन को कौन सी लेनी है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। तो पीरियडिक फंक्शन का मतलब क्या है कि ऐसे फंक्शन जो किसी फिक्स इंटरवल के बाद, किसी लेंथ के बाद, किसी फिक्स इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करे, मतलब उनके ग्राफ अपने आप बार बार क्या रिपीट होते जाए, तो वो जो लेंथ होगी उसी को उसका क्या बोलेंगे, पीरियड। उसको क्या बोलेंगे, पीरियड। क्या समझ में आया? हाँ, तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए वो सबके सब क्या होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। ठीक है, अगर साइन और कॉस की बात करो तो दोनों का पीरियड कितना होता है, 2π। साइन और कॉस का पीरियड कितना हो जाएगा, हाँ आप वही पूछ रहा हूँ, टेन का बताओ कितना होगा। टेन अपने आप को, टेन में ऐसा क्या रखें, एक्स प्लस क्या रखें, एक्स प्लस पाई रखें, एक्स प्लस 2π रखें, ताकि वो कैसा आ जाए, पीरियोडिक आ जाए। ठीक है, चलो करते हैं। एक सेकेंड, बताओ सब लोग बताओ, साइन का पीरियड, टेन का पीरियड पाई होगा कि 2π होगा, क्या रखने पे वापस वही आ जाए, पाई पाई होगा। ठीक है, हाँ, बेसिकली साइन में अगर एक्स प्लस अपन ने रखा पीरियड, एक्स प्लस पाई रख के देखा तो वापस वही आ जाएगा। देखो इसको समझाता हूँ मैं, ध्यान से, fx इक्वल टू अगर 10x की बात करें तो अपन को स्मॉलेस्ट पॉसिबल पीरियड, अब देखो पाई प्लस थीटा रखने पे थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा और थर्ड में टेन क्या होता है, पॉजिटिव। तो अगर x की जगह पाई प्लस x रखा या फिर x प्लस पाई या पाई प्लस x, बात एक ही है, तो x प्लस पाई या फिर पाई प्लस x रख के देखा तो टेन ऑफ पाई प्लस थीटा वापस क्या आ जाएगा, टेन थीटा ही आता है, टेन ऑफ पाई प्लस थीटा क्या आ जाता है, टेन थीटा। तो हेंस टेन थीटा का पीरियड कितना हो जाएगा, पाई। अगर टेन का पीरियड पाई है तो कॉट का भी तो पीरियड पाई होगा, राइट? टेन का पीरियड अगर पाई है तो कॉट का पीरियड भी कितना हो जाएगा, पाई। तो ध्यान रखना बच्चों, अगर वापस फंक्शन वही आ रहा है तो वही आ जाएगा। अच्छा, साइन का पीरियड पाई क्यों नहीं हो पाया सर, अगर क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, नेगेटिव हो जाता। अगर साइन ऑफ एक्स प्लस पाई लेता मैं, साइन ऑफ एक्स प्लस पाई की वैल्यू कितनी आ जाती, माइनस ऑफ साइन एक्स, कितनी वैल्यू आ जाती, माइनस ऑफ साइन एक्स, इसलिए पीरियोडिक नहीं होता है। आ रहा समझ में? अगर ये प्लस साइन एक्स हो जाता, अगर ये प्लस साइन एक्स आता तो पीरियोडिक हो जाता, राइट? अगर ये प्लस साइन एक्स होता तो क्या होता था, पीरियड। अच्छा, इसको प्लस बनाने का तरीका क्या है, या तो मॉड लगा दो, अगर मॉड लग जाता तो ये इसका पीरियड क्या जाता, पाई। या तो पावर अगर इवन आ जाती तो भी इसका पीरियड कितना हो जाता, पाई। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर आपसे ये पूछा कि वाई इक्वल टू बताओ मॉड साइन एक्स, इसका पीरियड कितना होगा, पाई होता है। हाँ, पाई। हाँ, पर 2π भी हो सकता है पाई, लेकिन पाई भी हो सकता है छोटा पीरियड, इससे क्या हो सकता है, पाई। क्योंकि एक्स प्लस पाई रखेंगे तो माइनस साइन एक्स आएगा, लेकिन मॉड के कारण वापस क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, सॉरी, मॉड के कारण वापस क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो y इक्वल टू अगर है, अगर इसमें x प्लस पाई रखा, क्या रखा, x प्लस पाई एफ एक्स में, तो वापस क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स, और मॉड के अंदर माइनस साइन एक्स को वापस में वापस मॉड साइन एक्स लिख सकता हूँ, तो वापस ये एफ एक्स के बराबर आ गया। तो ध्यान रखना, कभी भी मॉड अगर लग जाएगा तो पीरियड कितना हो जाएगा, पाई। अच्छा, अगर मैं पूछता y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, अब इसका पीरियड कितना होता,
अभी भी कितना होता पाई होता, क्योंकि x प्लस पाई रखने पे कितना होता पाई। तो क्या मैं ये बोल दूं अगर पावर इवन है तो हमेशा पाई हो जाएगा? यस सर। पावर अगर इवन है तो हमेशा क्या हो जाएगा? पाई पाई। और पावर अगर ऑड है तो पीरियड क्या रहेगा? टू पाई रहना है। पावर अगर ऑड है तो माइनस का माइनस बाहर रह जाएगा, तो फिर पावर क्या रहेगा? टू पाई रहेगा। तो अगर ऑड की पावर है तो पावर टू पाई, अगर पावर इवन है तो पीरियड कितना हो जाएगा? पाई। क्या समझ में आया? पावर होगी तो कैसे होगा फंक्शन टू पाई पे पीरियडिक? कौन सा वाला? अगर पावर इवन नहीं होके ऑड हो जाएगी तो फिर कैसे होगा वो, टू पाई पे कैसे लेंगे उसे? हाँ, अगर अगर साइन ये है, अब इसमें अगर मैं रखूंगा टू एक्स प्लस पाई, तो एक्स प्लस पाई रखने पे माइनस साइन क्यूब एक्स आ जाएगा। एक्स प्लस पाई रखने पे क्या आ जाएगा? माइनस साइन क्यूब एक्स। लेकिन अगर टू पाई प्लस एक्स रखूंगा तो साइन ऑफ टू पाई प्लस थीटा तो साइन थीटा ही होता है ना। साइन ऑफ टू पाई प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो साइन ऑफ टू पाई प्लस थीटा वापस क्या जाएगा? साइन थीटा। तो वहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसे साइन एक्स में था वैसे साइन क्यूब में। तो अगर पावर अगर ऑड है तो पीरियड वापस वही रहेगा टू पाई, पीरियड क्या रहेगा? टू पाई। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे इन्होंने इसको समराइज करके दिया हुआ है। साइन एक्स कॉस एक्स सेक और कॉस एक्स, इनका पीरियड होता है टू पाई, इनका पीरियड क्या होता है? टू पाई। वहीं पे टेन और कॉट का पीरियड कितना हो जाता है? पाई। अगर इन पे मॉड लगा दें, साइन पे कॉस पे टेन पे इन सब पे क्या लगा दे मॉड, तो पीरियड क्या हो जाएगा? पाई में कन्वर्ट हो जाएगा। स्मॉलेस्ट पीरियड कितना आ जाएगा? पाई। वहीं पे अगर पावर इवन है तो पीरियड पाई होगा, पावर अगर इवन है तो पीरियड पाई हो जाएगा, पावर अगर ऑड है तो पीरियड कितना हो जाएगा? टू पाई। जो रहे वो का वही। क्लियर है? तो ये दो तरीके हैं, मतलब ये कुछ स्टैंडर्ड थे जो इनको अपन ध्यान रख सकते हैं। क्लियर है? चलो इसके बाद एक चीज और बताई गई, देखो ध्यान से। मान लो मैंने पूछा आपसे, ध्यान सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि y equal to sin x, बताओ इसका पीरियड कितना है? 2 pi है। इसका पीरियड कितना है? 2 pi। Very good। अब मैं अलग-अलग तरह के फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं। पहला फंक्शन में डिफाइन किया मान लो y1, इसको मैं क्या कर दिया? sin of x में किसी 3 से कांस्टेंट से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। किसी 3 कांस्टेंट से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। अब मैं पूछ रहा हूं इसका पीरियड कितना होगा, बताओ? 2 pi। क्या पीरियड में कोई चेंज आएगा? साइन में 3x मल्टीप्लाई करने पे ग्राफ में थोड़ी कुछ फर्क पड़ जाए? पहले साइन एक्स का ग्राफ कैसा था? नो सर, ऐसा था। तो साइन एक्स का ग्राफ किसके बीच में था? माइनस वन और वन के बीच में था, राइट? साइन एक्स का ग्राफ किसके बीच? माइनस वन और वन। अब 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन एक्स का चेंज क्या होगा? अब ग्राफ 3 और माइनस 3 के क्या आ जाएगा? बीच में आ जाएगा। अब ग्राफ 3 और माइनस 3 के क्या आ जाएगा? बीच में। लेकिन इसका पीरियड तो अभी भी 2 पाई रहेगा। अब 2 पाई के बाद ही अपने आपको क्या करेगा? रिपीट करेगा। सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करने से ग्राफ एलोंगेट हो गया। ग्राफ क्या हो गया? एलोंगेट। लेकिन पीरियड में कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो अभी भी पीरियड कितना रहेगा? 2 पाई ही रहेगा। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सेकंड, अगर मान लो ऐसा होता साइन एक्स में अगर मान लो कुछ ऐड कर देता तो कुछ फर्क पड़ता क्या? नो सर, ना पड़ता। ऐड करने पे क्या होता? थोड़ा सा ग्राफ आगे शिफ्ट हो जाता। ग्राफ क्या हो जाता? आगे शिफ्ट हो जाता। 5 यूनिट क्या हो जाता? आगे शिफ्ट हो जाता। लेकिन अभी भी पीरियड तो कितना रहता? 2 पाई रहता। अभी भी पीरियड तो कितना रहता? 2 पाई। तो अभी भी पीरियड कितना रहेगा? 2 पाई रहेगा। बस 5 यूनिट क्या हो जाता? ग्राफ आगे शिफ्ट हो जाता। लेकिन जो लेंथ होती, जितने लेंथ के बाद वो रिपीट कर रहा, अपन को तो पीरियड क्या मतलब? लेंथ से मतलब है। तो वो लेंथ अभी भी कितनी रहती? 2 पाई ही रहती। क्या समझ में आ रहा है? तो यहां से हमने क्या सीखा कि पूरे फंक्शन में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे या ऐड करने पे या सब्सट्रैक्ट करने पे या डिवाइड करने पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर यहीं पे मैं मान लो इसको 3 से मल्टीप्लाई की जगह अगर 2 से डिवाइड भी कर देता तो भी क्या होता? ये श्रिंक हो जाता। लेकिन लेंथ तो पीरियड की क्या रहती? वही रहती। पूरे फंक्शन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करता या 2 से डिवाइड करता पीरियड में चेंज नहीं आता। पीरियड में चेंज आता क्या? नहीं आता। ठीक है, तो फंक्शन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ना ही ऐड और सब्सट्रैक्ट करने पे कुछ फर्क पड़ता। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. चलो अब मान लो अगर मैं बोलता y की वैल्यू साइन ऑफ 3x, तो इससे क्या होता? अब तो ग्राफ कैसा कन्वर्ट हो जाता? या फिर साइन 2x थोड़ा इजी ले लेते। चलो पहले थोड़ा 2x वाला ले लेते हैं, फिर आपको आइडिया लगता है। साइन 2x का ग्राफ क्या बनता? तो मतलब जो काम पहले 2 पाई पे हो रहा था, पहले जो काम x इक्वल टू 2 पाई पे हो रहा था, अब वो काम किस पे होगा? x इक्वल टू पाई पे हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू साइन 2 पाई कब बनेगी? जब x को पाई रख देंगे, और x को जब पाई बाई 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? पाई हो जाएगा। मतलब ग्राफ कैसा हो जाएगा? सब पतला हो जाएगा, राइट? मतलब अब जो काम पहले 2 पाई पे हो रहा था, अब वो किस पे हो जाएगा? पाई पे। और यहाँ पे पहले पाई आ रहा था, तो अब क्या हो जाएगा? पाई बाई 2। मतलब देखो ये पहले क्या था? 0 पाई 2 पाई था। तो जहां पे पाई था उसकी जगह क्या आ जाएगा? पाई बाई 2। और जहां पे 2 पाई था उसकी जगह क्या आ जाएगा? पाई आ जाएगा।
क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो x में 2 से मल्टीप्लाई करने से ग्राफ कैसा ज्यादा पतला हो जाता है, ग्राफ क्या हो जाता है पतला। अब इसका पीरियड कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, पाई सर, पाई हो जाएगा। मतलब बेसिकली क्या था, पहले जो पीरियड था उसको 2 से अपन ने क्या कर दिया, डिवाइड, 2 से अपन ने क्या कर दिया, डिवाइड, मतलब जिस कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे उससे ओरिजिनल पीरियड में 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड। सिमिलरली अगर यहां पे मान लो 3x आता, क्या आता 3x, अगर यहां पे 3x आता तो पीरियड अब कितना हो जाता, तो जो ओरिजिनल पीरियड था उसको कैसे डिवाइड करते, 3 से डिवाइड करते, उसको कैसे, हां 2 पाई बाय 3 क्या हो जाता, 2 पाई बाय 3। तो जो भी अगर अगर मान लो x x को अगर चेंज कर रहे हैं, x में किसी a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर x की जगह क्या कर रहे हैं, ax लिख दे रहे हैं, x की जगह क्या आ जा रहा है, ax अगर आ जा रहा है तो पीरियड में क्या चेंज होगा, जो पहले पीरियड था उसको अब a से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। और यहां पे मॉड a इसलिए लिया क्योंकि पीरियड हमेशा पॉजिटिव होता है, किसी भी फंक्शन का पीरियड हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि वो एक लेंथ को डिनोट कर रहा है कि किस लेंथ के बाद अपने आप को रिपीट करेगा, तो लेंथ हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो देखो इसी चीज को समराइज करके इन्होंने बहुत अच्छे से दिया हुआ है, किसी फंक्शन f(x) जिसका पीरियड अगर t है, कोई फंक्शन जिसका पीरियड अगर टी है, तो उसमें किसी को किसी कांस्टेंट को ऐड या सब्सट्रैक्ट करने को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी पीरियड कितना रहेगा, टी रहेगा। किसी कांस्टेंट को ऐड सब्सट्रैक्ट करने से कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, अभी भी पीरियड कितना रहेगा, टी। किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे या डिवाइड करने पे पीरियड में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी पीरियड कितना रहेगा, टी। चेंज कब हो जाएगा, जब अगर एक्स में ए मल्टीप्लाई कर दें, जब अगर एक्स में क्या मल्टीप्लाई कर दें, ए, तो अगर एक्स में ए मल्टीप्लाई कर देंगे पीरियड कितना हो जाएगा, टी बाई ए, पीरियड कितना हो जाएगा, टी बाई ए। क्या पॉइंट समझ में आए, यस सर, ठीक है, ओके। चलो इसी का क्वेश्चंस करते हैं, कुछ पहले बेसिक क्वेश्चन करते हैं, सब लोग जल्दी से ट्राई करो, इन सबके पीरियड लिखो। अच्छा ऐसा हो सकता है कि कभी कभी पीरियड कोई फंक्शन रिपीट ना करे, तो ऐसे फंक्शन को अपन क्या बोलेंगे, नॉन पीरियोडिक। कभी हो सकता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी रखने पर एफ एक्स ना आए, तो ऐसे फंक्शन को अपन क्या बोल देंगे, नॉन पीरियोडिक। तो जरूरी नहीं कि सब पीरियोडिक हो ही। तो सब लोग बच्चों ट्राई करो, देखो इसका पीरियड कितना आ रहा है। सर फर्स्ट वाले का पाई है, सर फर्स्ट पाई है, सेकंड 2 पाई, हाँ ठीक है, सब लोग ट्राई कर लो, फिर एक साथ डिस्कस करते हैं। चलो फर्स्ट वाले का क्या जाएगा, पावर इवन है तो, पावर इवन है तो क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। सेकंड का पावर ऑड है तो 2 पाई। अब रूट के अंदर कॉस है, तो यहाँ पे रूट के अंदर है तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो पीरियड क्या रहेगा, 2 पाई रहेगा, क्योंकि अगर पाई प्लस एक्स रखूंगा तो माइनस कॉस, सॉरी क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। पाई प्लस एक्स रखने पर क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स रूट के अंदर अलाउड नहीं होता, इसका पीरियड कितना रहना, 2 पाई रहेगा। क्लियर है, यस सर, है ना। हाँ अब ये वाला 4 पाई स्क्वायर, नहीं 4 पाई स्क्वायर कैसे, अगर x की जगह, अगर मान लो x की जगह x प्लस 4 पाई स्क्वायर रखोगे तो क्या ये cos x के बराबर आएगा। यहाँ पे क्या पता करना है आपको कि इसमें cos ऑफ x प्लस ऐसा क्या रखें ताकि cos रूट x के बराबर आए, ऐसा कोई वैल्यू होगी क्या, कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती, इसका पीरियड क्या हो जाएगा, नॉन पीरियोडिक, क्या हो जाएगा, ये नॉन पीरियोडिक, ये पीरियोडिक होगा ही नहीं क्योंकि कभी भी रूट हट ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्या है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो एक्स में से अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर हटा देंगे तो क्या बचेगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, किसी भी नंबर में से अगर उसका इंटीजर पार्ट हटा देते तो क्या बचता है, फ्रैक्शनल पार्ट बचता है, राइट yes, आ रहा है समझ में, yes, है ना। तो फ्रैक्शनल पार्ट जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, पीरियोडिक होता है। देखो उसका ग्राफ दिखा देता हूँ आपको, तो देखो ये है फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ, तो क्या ये पीरियोडिक है, no, sir. हाँ ये पीरियोडिक, और इसका पीरियड कितना है, कितनी लेंथ के बाद रिपीट कर रहा है, 1-1 लेंथ के बाद रिपीट कर रहा है,
इसका पीरियड कितना हो जाएगा 1, इसका पीरियड कितना हो जाएगा 1. तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ध्यान रखना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज अ पीरियोडिक फंक्शन हुज द पीरियड इज 1, हुज पीरियड इज 1. क्या समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर. इसमें किसी पार्ट में डाउट हो तो पूछ लो. एनीवन, कोई डाउट है किसी पार्ट में? सर डी में कैसे आया 4π? हां, डी में डी का डी फंक्शन पीरियोडिक नहीं है, क्योंकि उसमें अपन x प्लस टी रख के कुछ भी रखो कभी भी वापस वैसा नहीं बन सकता, क्योंकि रूट के अंदर है ना, तो रूट के अंदर वो बाहर आ ही नहीं पाएगा कुछ भी. इसलिए d जो फंक्शन है वो क्या है, नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड निकाल नहीं सकते. आया समझ में सर? ओके, ठीक है. चलो अब एक चीज और सिखाना है आपको. अब देखो, अब कभी कभी क्या होगा कि दो फंक्शन मिक्स में आएंगे, एडिशन में या सब्सट्रैक्शन में. तो मान लो एक फंक्शन है fx और दूसरा फंक्शन है मान लो gx, तो या तो इनके बीच में प्लस है या तो इनके बीच में माइनस है. मान लो, अब मान लो fx का पीरियड है मान लो t1, fx का पीरियड क्या है t1, और gx का पीरियड है t2. इंडिविजुअली इसका पीरियड है t1, मतलब हर t1 के बाद रिपीट कर रहा है और ये हर t2 के बाद रिपीट कर रहा है. तो दोनों साथ में कब रिपीट करेंगे, दोनों साथ में कब रिपीट करेंगे, तो कैसे निकालेंगे, क्या लॉजिक लगेगा? मल्टीपल टाइप होगा ये. जैसे ये मान लो T1 के बाद रिपीट कर रहा है, ये T2 के बाद रिपीट कर रहा है, तो दोनों साथ में कब रिपीट करेंगे, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा. ऐसे मल्टीपल जहां पे T1 की टेबल में जो आ रहा हो, जो T2 की टेबल में आ रहा हो, वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आ जाएगा पीरियड fx plus gx का. क्या समझ में आया? तो जब भी दो फंक्शन हो जो इंडिविजुअली पीरियोडिक हो और दोनों का फंक्शन, मान लो fx का पीरियड है T1, gx का पीरियड है T2, तो इन दोनों के साथ में अगर कंबाइन कर दें T1 प्लस T2, मतलब अगर GX FX प्लस GX कर दे, तो कंबाइंड पीरियड क्या हो जाएगा, LCM ऑफ T1 एंड T2, LCM ऑफ T1 एंड T2, मतलब उसके LCM में जो वैल्यू आएगी उस इंटरवल के बाद दोनों फंक्शन साथ में रिपीट करेंगे. क्या है, समझ में आया सर? है ना, तो ध्यान रखना जब भी दो फंक्शन एक साथ दे दें तो दोनों पीरियड का क्या निकालना पड़ेगा, LCM निकालना पड़ेगा. क्या निकालना पड़ेगा, LCM. क्या LCM निकालना आता है सबको? ठीक है, चलो एक बता दो मेरे को ताकि मैं क्रॉस चेक कर लूं. जैसे मान लो मेरे पास कोई दो नंबर है 12 और मान लो एक नंबर है 8, इसका एलसीएम क्या होगा, कैसे निकालेंगे? 24. मतलब ऐसा 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 नंबर जो दोनों की टेबल में, ऐसा छोटा नंबर जो दोनों की टेबल में है. देखो 12 की टेबल क्या होती है, 2 into 2 into 3, 8 को क्या लिखते हो 2 into 2 into 2. अब LCM निकालने के लिए क्या लेते हैं, कॉमन कॉमन पार्ट टाइप से, तो ये 2 ले लिया एक बार, फिर एक बार ये कॉमन 2 मिला के एक बार 2 ले लिया, और फिर बच्चे क्या 3 और 2, इनको एक एक बार ले लिया. इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 24. कितना आ जाएगा, 24. क्या क्लियर हुआ? यस सर. अब मान लो अगर फ्रैक्शन हो जाते, तो फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालें? जैसे मान लो मेरे पास है कोई 2/6 और दूसरा है मान लो कोई 1/5, इनका एलसीएम क्या होगा? 30. हां 30. कैसे 30 आ जाएगा सर? वो नीचे 30 आएगा. अच्छा, नीचे 30 आएगा सर, नीचे. हाँ, तो नीचे का क्या लेंगे, नीचे 30 आएगा, 1/15 आ जाएगा. अच्छा, 2/6 है ना, इसको अपन सिंपलीफाई करके 1/3 भी लिख सकते हैं. हाँ, या फिर इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बना, 2/3 कर लो. हाँ, अब बताओ 2/15 सर, अंदर म्यूचुअल क्या आएगा एलसीएम सर? ये तो आपने बस लिया, तो ऐसे कैसे 2/15 आ जाएगा सर? 13/15. हाँ, तो देखो कभी भी अगर ऐसा आता है फ्रैक्शन का केस, तो फ्रैक्शन के केस में क्या करेंगे, सब लोग ट्राई कर लो एक बार, फिर मैं सिखाता हूँ. फ्रैक्शन कभी भी आता है तो ठीक है सर, 13/15 आ रहा है, तो 13/15 दोनों की टेबल में आएगा क्या, बताओ सर? साइन अंडर रूट एक्स भी नॉन पीरियोडिक होगा फंक्शन? हाँ, नॉन पीरियोडिक होगा.
चलो मैं सिखा देता हूँ आपको, ध्यान से सुनो। कभी भी अगर फ्रैक्शन आते हैं, दो फ्रैक्शन आ गए, मान लो जनरलाइज कर रहा हूँ, ए बाई बी और सी बाई डी, इन फ्रैक्शन का अगर एलसीएम लेना है, क्या लेना है एलसीएम, एक जनरल तरीका क्या होता है कि जो न्यूमरेटर में दो नंबर है, न्यूमरेटर में जो नंबर है उनका ले लो एलसीएम, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब ए और सी का एलसीएम, और डिनोमिनेटर का एचसीएफ ले लो, डिनोमिनेटर का क्या ले लो एचसीएफ, यही लॉजिक आता है। अब इसका निकाल के भी देखोगे किसी भी फ्रैक्शन का तो यही लॉजिक हर में बैठेगा। तो न्यूमरेटर का एलसीएम, तो बताओ यहाँ पे टू और वन का एलसीएम कितना आएगा, कितना आ जाएगा टू, और थ्री और फाइव का एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वन, दोनों प्राइम नंबर है तो एचसीएफ कितना आएगा वन, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा टू, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा टू, मतलब कहीं ना कहीं इनकी टेबल में सबसे छोटा नंबर कौन सा आएगा टू। ठीक है, जैसे तुम कर दो देखो, टू बाई थ्री की टेबल अगर लिखोगे तो टू बाई थ्री की टेबल क्या होगी, टू बाई थ्री वन जा टू बाई थ्री, फिर कितना हो जाएगा फोर बाई थ्री, फिर थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा टू, ऐसे जाएगा। और वन बाई फाइव की टेबल लिखोगे तो वन बाई फाइव, टू बाई फाइव, थ्री बाई फाइव, करते 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 टेन बाई फाइव आएगा कहीं ना कहीं, टेन बाई फाइव कितना आएगा टू, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा आ गया टू आ गया। तो ये फॉर्मूला याद रख लोगे, न्यूमरेटर का क्या लेना एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ, ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ, ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ। ठीक है, चलो अब यहाँ पे मैंने चार क्वेश्चन दिए, आराम से शांति से सोच समझ के करो। लोवेस्ट पीरियड बताना आपको, पीरियड हमेशा छोटा होना चाहिए, पीरियड हमेशा क्या होना चाहिए छोटा। ठीक है, करा अटेम्प्ट सब लोगों ने सर? अच्छा बताओ फर्स्ट वाले का आंसर क्या आएगा, टी बना था टू पाई सर, पाई आ रहा है सर, पाई। गलत हो गया यहाँ पे, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक था एक्चुअली, यहाँ पे क्या थोड़ा सा फंक्शन थोड़ा स्पेशल हो गया, स्पेशल इसलिए हो गया क्योंकि साइन और कॉस है। अब देखो साइन और कॉस एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते, मतलब अगर इसमें पाई बाई टू जब भी आता था साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉस में, कॉस कन्वर्ट हो जाता है साइन में। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि अपन को स्मॉलेस्ट चेक करना। अब देखो जनरल तरीका देखोगे तो इसका पीरियड पाई है, इसका पीरियड पाई है इंडिविजुअली, तो दोनों का भी पीरियड पाई आना चाहिए, तो पाई तो पीरियड हो सकता है, लेकिन मेरे को ये चेक करना क्या इससे कोई छोटा तो पॉसिबल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे x की जगह पाई बाई टू प्लस एक्स रख के देखूं या फिर x प्लस t रख के देखूं, तो देखो ध्यान से, अगर x की जगह पाई बाई टू प्लस एक्स रखा अपन ने तो क्या होगा, अगर पावर इवन है तो देखो साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा कितना होता है, प्लस के माइनस पॉजिटिव होता है। हाँ कॉस साइन पाई बाई टू प्लस एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, और इसकी पावर फोर, साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स कितना हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स की पावर फोर। अब पावर इवन है तो पॉजिटिव ही रहना है और नेगेटिव भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो क्या ये वापस एफ एक्स के बराबर ही आ गया। यस सर। तो इसमें सबसे छोटा पीरियड कौन सा हो सकता है,
पाई के से भी छोटा है, कौन सा हो जाएगा पाई बाई टू, क्या हो जाएगा पाई बाई टू, इसलिए फर्स्ट वाले का आंसर कितना हो जाएगा पाई बाई टू। अपन ने बस एक बार क्रॉस चेक करके देख लिया, इससे छोटा पीरियड कौन सा आ गया पाई बाई टू, ठीक है। सेकंड का आंसर क्या है, 4 पाई। अच्छा ठीक है, बाकी भी निकालो, 2 आ रहा है। ओके देखते देखते यहाँ पे टेन थ्री एक्स है और दूसरा कौन सा है कॉस ऑफ 5x बाई टू, तो अभी आपको सिखाया था टेन थ्री एक्स का पीरियड कितना होगा पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री, वेरी गुड, पाई और डिवाइड बाई थ्री, और इसका पीरियड कितना होगा 4 पाई बाई 5 डिवाइड करना पड़ेगा 5 बाई 2 से, तो ये जाएगा पाई बाई 3 और ये ऊपर चला जाएगा तो 4 पाई बाई 5। कैसे समझ में आया? अब इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम कैसे निकालेगा, न्यूमरेटर का क्या होगा, न्यूमरेटर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। नीचे का एचसीएफ कितना आएगा 1, तो फाइनल आंसर कितना आया 4 पाई, 4 पाई, तो इसका पीरियड कितना आ गया 4 पाई। क्या समझ में आया? Yes, sir. ओके चलो अगला सी वाला ट्राई करके बताओ सर, cos x का 2 पाई और ग्रेटेस्ट इंटीजर का प्लस 1। हां नहीं फ्रैक्शनल पार्ट है ना, हां फ्रैक्शनल पार्ट का 1 और cos x का, वेरी गुड, 2 पाई, और 2 पाई और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2 पाई, 2 पाई, हां वेरी गुड, इसका देखो 2 पाई है, इसका कितना है 1, तो दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम ऑफ 2 पाई और 1 कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, क्लियर है, बताओ समझ में आया सर, फटाफट चलो डी वाला ट्राई करके बताओ कितना आएगा, सब लोग अच्छे से ट्राई करना। बताओ क्या आ रहा है, एक्स की जगह क्या रखें सबसे छोटा, देखो अगर पाई बाई टू रखें तो क्या पाई बाई टू से फायदा हो जाएगा, ये साइन कन्वर्ट, ये कॉस कन्वर्ट हो जाएगा माइनस साइन में, और ये साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, अब कॉस के अंदर नेगेटिव से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ये वापस क्या हो जाएगा कॉस ऑफ साइन एक्स, और ये क्या हो जाएगा कॉस ऑफ कॉस एक्स, तो वापस एफ एक्स ही आ जाएगा। यस सर, इसका पीरियड भी कितना हो जाएगा पाई बाई टू, इसका पीरियड भी कितना हो जाएगा पाई बाई टू, मतलब पाई बाई टू रखने में फायदा हो रहा है, क्लियर है, क्या समझ में आया सबको सर? इसमें पता क्या चलेगा कि पाई बाई टू ही रखना है, जैसे आपने पहले वाले फंक्शन में पाई बाई टू रख दिया, जब भी सिमेट्री दिखे आपको साइन कॉस में, ठीक है, पावर इवन हो, मॉड आ जाए, कॉस के अंदर कॉस साइन आ जाए, इस तरह से, ताकि पाई बाई टू रखने में वापस वैसा के वैसा बन जाए, कॉस कन्वर्ट हो जाए साइन में, साइन कन्वर्ट, और कॉस का जो कॉस का नेगेटिव पोर्शन है वो भी अगर पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि देखो दिक्कत किस में आती है, कॉस में ये तो आती है कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, तो वो माइनस को अगर पॉजिटिव बन जा रहा हो तो ऐसे केस में वापिस से वही आ जाएगा, तो ऐसे तो आपको ये जो प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे हो जाएगा। चलो ये वाला बता दो लास्ट क्वेश्चन, इसका पीरियड कितना होगा पाई, सर पाई, पक्का वापिस सोचो, क्या स्मॉलेस्ट होगा पाई, क्या उससे छोटा भी कोई हो सकता है सर, पाई बाई टू, हाँ पाई बाई टू इससे छोटा आ सकता है, राइट, अगेन देखो मॉड है तो मॉड क्या बना देगा नेगेटिव को भी क्या बना देगा पॉजिटिव, तो साइन ऑफ अगर रखा अपन ने एक्स प्लस पाई बाई टू और यहाँ पे रखा कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाई टू, तो दोनों के दोनों ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में साइन में, और मॉड है तो पॉजिटिव, तो इसका पीरियड कितना आ जाएगा पाई बाई टू, क्या समझ में आया? ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चों ये तो क्लियर हुआ, तो आज अपन ने 3 चीजें सीखी, इक्वल फंक्शन, ऑड एंड इवन फंक्शन और पीरियोडिक फंक्शन। इक्वल फंक्शन मतलब जिनकी डोमेन सेम होगी उनको इक्वली आइडेंटिकल बोलेंगे,
सेकंड ऑड एंड इवन करने का तरीका क्या था, x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करने पे बताओ, अगर ऑड कब होगा, जब एफ एक्स किसके बराबर आ जाए, एफ ऑफ माइनस एक्स ऑड कब होगा, जब एफ एक्स आ जाए इक्वल टू माइनस एफ एक्स, हाँ एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आ जाए, और ऑड वाले फंक्शन किसके अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, ओरिजिन के, ओरिजिन के, और इवन फंक्शन y एक्सिस के अबाउट, और एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ जाए, एफ एक्स के बराबर आ जाए, ये आपके ऑड इवन हो गए। इसके बाद अपने देखा पीरियोडिक फंक्शन, कोई भी फंक्शन का अगर पीरियड टी है, कोई भी फंक्शन का पीरियड टी है, जिससे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस टी वापस किसके बराबर आ जाएगा, एफ एक्स के बराबर, और ये जो टी है होना चाहिए स्मॉलेस्ट पॉसिबल, मतलब लोवेस्ट वैल्यू ऑफ टी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लोवेस्ट पॉसिबल, ठीक है, क्लियर है, क्या ये तीन टॉपिक समझ में आए आप लोगों को, यस सर, एनीवन एनी डाउट सर, हाँ बोलो, इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, वो पिछले रेंज और डोमेन वाले से हैं क्वेश्चन, अच्छा रेंज और डोमेन के क्या, ओके ओके ठीक है, मुझे अलग से एक बार भेज देना, मैं ट्राई करूंगा आपको बताने की, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, मेरी वापस अभी क्लास है 11th में, अभी 11th का बैच लॉन्च हो गया है, तो इसके बाद एक और क्लास रख दी गई है, ठीक है, तो आप मुझे अलग से मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, तो मैं ट्राई करूंगा उस पर रिप्लाई कर दूंगा, क्लियर है सर, मैंने किया हुआ है आपको मैसेज, किया हुआ है, अच्छा मैं देख लेता हूँ,